बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, वैक्सीन के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफी नहीं, सेंटर पर जाने वाले हर व्यक्ति को टीका मिले, जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि वैक्सीन के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है, सेंटर पर जाने वाले हर व्यक्ति को टीका मिले, वही जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट की सेवा नहीं है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल रुक करते उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। रुड़की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, पुलिस ने स्मैक समेत चोरी की साइड बाइकें बरामद की हैं और दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि एसएसपी के आदेश पर नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी अभियान के तहत भगवानपुर पुलिस ने हल्लू मजरा तिराहे पर बाइक सवार दो व्यक्तियों को रोका, जिनके पास से करीब 58 ग्राम स्मैक के साथ ही चोरी की बाइकें बरामद की गई हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। मैं लगातार स्मैक अभियान से एक अभियान चलाया जा रहा है, पिछले मंगलवार और सोमवार के द्वारा लगातार उसमें कई रिकवरियाँ की गई हैं। कल भी एक सूचना प्राप्त हुई थी, इसमें जो यहाँ पर एक मेन जो किंगपिन था, महासिन जो यहाँ पर काफ़ी समय से काम कर रहा था और पुलिस के नजर से जो था खुफिया से बाहर था, ये सूचना थी कि वो मोटरसाइकिल से आ रहा है, उसके पास उसकी सामग्री है। तो जब CEO और इनके द्वारा जब चेकिंग करेंगे के द्वारा, तो इससे 48 ग्राम हमें स्नैक मिली और इसमें इससे जब और पूछताछ की गई थी तो 7 जो मोटरसाइकिलें जो चोरी इसके द्वारा की गई थी वो भी मिला। रुड़की में दो ट्रांसफार्मरों में भीषण आग लग गई, जिससे एक ट्रांसफार्मर और पास में लगी एक गन्ने की चरखी जलकर खाक हो गई। आपको बता दें कि रुड़की में नेहरू स्टेडियम के पास रखे दो ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई, देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक इस भीषण आग ने ट्रांसफार्मर और एक गन्ने की चरखी को भी जला कर राख कर दिया और ऊपर से जा रहे बिजली के तारों को भी काफी हद तक। फोन नंबर द्वारा कोई हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, दो ट्रांसफार्मर में आग लगी है और पास में ही एक गन्ने की दुकान थी, इसमें आग लगी है। FSC ने तुरंत अविलंब एक हॉज पाइप फैलाकर आग को पूर्ण रूप से बुझाया, किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई है और दो ट्रांसफार्मर जल चुके हैं। विभाग ने शफकत अली चेयरमैन प्रतिनिधि अध्यक्ष के कैंप कार्यालय मुकब्बरमपुर में विशेष कैंप लगवाया, जहां चेयरमैन अध्यक्ष का टीकाकरण का कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और 45 साल वालों को टीकाकरण लगवाने की व्यवस्था की गई और उन्होंने लोगों से भी कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। जितनी मेहनत हमारा प्रशासन कर रहा है, जितनी मेहनत हमारी जनता करेगी, हमारे जिम्मेदार करेगी, तो मेहनत तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और जो लोगों को भ्रमित कर रखा है वो भ्रमितपन दूर हो। इतना है कि 100-150 के करीब आज हम करा के रहेंगे, क्योंकि हम अपनी जनता को समझाएंगे, चाहे हमें घर घर जाना पड़े के लिए, हम जो अपनी जनता को भ्रमित कर रखा है लोगों ने हम उनको। जिला चमोली के ग्राम पंचायत पैठाड़ी के ग्राम प्रधान अत्युंजय परिहार ने अपने गांव के लिए एक अदत सड़क के लिए मुख्यमंत्री को खून से खत लिख डाला। खत को ग्राम पंचायत पैठाड़ी के एक शिष्टमंडल ने तहसीलदार के माध्यम से उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा है। खून से लिखे ज्ञापन में उन्होंने लिखा है कि उनके गाँव के लिए पिछले 2018 से पहले 2 किलोमीटर मार्ग स्वीकृत हो चुका था और लेकिन ना ही टेंडर हुए और ना ही मार्ग पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि कहा गया है कि लोक निर्माण विभाग और जनप्रतिनिधियों से लगातार संपर्क करने पर भी उनके गांव के मोटर मार्ग पर कभी अमल नहीं किया गया, इसीलिए शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण लोगों को सड़क के लिए अपने खून से मुख्यमंत्री को पत्र लिखने को विवश होना पड़ा। वही मामले पर तहसीलदार सुरेंद्र सिंह देव ने कहा कि पैठाड़ी ग्रामवासियों का ज्ञापन विजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं।
ग्राम पैठाणी के जो प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है उनके द्वारा एक ज्ञापन हमको प्रेषित किया गया है। उस ज्ञापन को हम अग्रिम कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से जिला स्तर को भेजा जाएगा और वहां से वो माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित कर दिया जाएगा। उनकी मांग ये है कि विगत कई वर्षों से वो अपने ग्राम पैठाणी के लिए मोटर मार्ग की मांग कर रहे हैं कई बार और उनको आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक इस मोटर मार्ग का कार्य स्वीकृत नहीं हो पाया है और उसका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, तो उन्होंने इसके लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन से लेते हैं पिरान कलियर थाना क्षेत्र के बेटपुर गांव के जंगल में चल रहे खनन पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक जेसीबी एक डंपर पकड़ा है। आपको बता दें कि कलियर थाना क्षेत्र के बेटपुर गांव में खनन माफिया परमिशन की आड़ में रात भर खनन का कार्य कर रहे थे, तो ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने एक डंपर और एक जेसीबी मशीन को पकड़ा है। वहीं खनन माफिया पुलिस को आता देख मौके से फरार हो गए। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने बताया कि यदि परमिशन की लिमिट से अधिक खनन किया गया तो खनन कारोबारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में कल शिकायत कंप्लेंट आई थी कि वहां पर जिस व्यक्ति को परमिशन इश्यू की गई है, कंप्लेंट करने वाले व्यक्ति का ये कहना था कि टोटल 94 घन मीटर की उनको परमिशन दी गई, तो इमीडिएटली मौके में नायब तहसीलदार और लेखपाल को भेजा गया था। तो बेटपुर में जिस व्यक्ति को परमिशन दी गई है 6000 समथिंग घन मीटर की उसको परमिशन इशू की गई है एक टाइम फ्रेम के लिए, तो वो व्यक्ति उसी लिमिट में मिट्टी का उठान करें और नियत समय में करें। तो इसके रिगार्डिंग SHO एंड थाना कलियर को भी डायरेक्शन दिए गए थे कि उसको प्रॉपर वॉच करें। ऋषिकेश में एक गोदाम में नर कंकाल मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि श्यामपुर पुलिस चौकी से महज 200 मीटर की दूरी पर एक बंद गोदाम में नर कंकाल मिला है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने नर कंकाल को कब्जे में ले लिया है। जांच के लिए बुलाई गई फॉरेंसिक टीम ने नर कंकाल का सैंपल लेकर लैब भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आसपास के लोगों और गोदाम मालिक से पूछताछ में जुटी हुई है और मामले की जांच के लिए दो पुलिस टीम गठित की गई है। इसका ये गोदाम था और ये गोदाम साइड से खुला हुआ है जिसका पीछे की तरफ खंडर है, यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये बता रहे कि बंद है, इसकी जाँच की जाएगी। इसमें अंदर एक नर कंकाल मिला है, मानव कंकाल मिला है। ऐसे की टीम हमारी यहाँ ये उसको हमने सारा एरिया को हमने जैसे आप देख रहे हैं हमने सबको सेफ कर दिया है। FSL की टीम वहाँ से उसे उठाएगी और उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी की जाएगी, आस पास से पूरी जानकारी की जाएगी। जो भी ऋषिकेश के नेपाली फार्म पर लग रहे टोल प्लाजा के विरोध को लेकर प्रधान संगठन के कुछ लोग असंतुष्ट नजर आए। असंतुष्ट होने के कारण ये था कि धरने पर बैठे लोगों को टोल प्लाजा निरस्तीकरण का लिखित आदेश नहीं मिला है। आपको बता दें कि नेपाली फार्म स्थित बन रहे टोल प्लाजा के निरस्तीकरण को लेकर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें मौखिक रूप से दावा किया गया है कि उक्त स्थान पर लगने वाले टोल प्लाजा को निरस्त किया जाएगा। विरोध में बैठे प्रधान संगठन के कुछ लोग विधानसभा अध्यक्ष के दावे से संतुष्ट नजर आए, तो वहीं टोल प्लाजा के निरस्तीकरण का लिखित प्रमाण को लेकर संगठन के कुछ लोगों ने आज भी धरना जारी रखा है। वहीं अनिश्चितकालीन धरने के समर्थन में अन्य संगठनों के लोग भी पहुंच रहे हैं। देखिए, हमारा एक ही बात है कि जब तक लिखित नहीं तब तक धरना स्थगित नहीं। देखिए, इन्होंने बात की होगी तो मौखिक रूप से है, तो हमें कह रहे हैं कि क्या वो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के पास में जो है स्याही सूख गई है उनके कलम की, जो कलम से लिखना भी नहीं चाह रहे हैं भाई। जब मौखिक स्वीकृति मिल गई है कि आप बंद नहीं बनेगा नहीं बनेगा, तो इनकी कलमों की स्याही सूख गई है, प्रिंटर का जो है प्रिंट खत्म हो गया है क्या कि उसकी एक कॉपी नहीं निकाल पा रहे हैं ये। हम तो कह रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी वही लेके आ जाएं, और वो ये कह दे कि यार तुम बहुत बात कर रहे थे कि लिखित नहीं कि लो जी मैं लिखित आ गया। हम तो ये कह रहे हैं वो भी ना आए, हमें फेसबुक व्हाट्सअप के माध्यम से ही वो पत्र मिल जाए कि भाई लिखित में आ गया है। लेकिन यह कि दूध का जला छाछ में फूंक फूंक के पीता है, और चूंकि ये मामला जो है रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है, लादा जो है रेवेन्यू से जुड़ा विषय है, तो इसलिए सरकार की निष्ठा पे इसलिए शक पैदा होता है कि यार ये रेवेन्यू से जुड़ा विषय इतनी आसानी से जो है मुंह से कह रहे हैं। चूंकि 2022 का चुनाव है, अब 2022 के चुनाव के बाद कौन हारता है कौन जीता है, कल हमारे पास लिखित तो हो ताकि कि उस आधार पे हम कल NHAI को पकड़ें। देखिए, आम आदमी पार्टी जो है पहले दिन से ही जो हमारा प्रधान संगठन है जिसके अध्यक्ष जेठुड़ी जी हैं उनके नेतृत्व में लगातार यहाँ पर अपना समर्थन देकर जुटी हुई है,
और हमारी भी एक सूत्री मांग यही है कि भाई जो टोल प्लाजा है जिसके निरस्तीकरण के एक मौखिक आदेश हुए हैं उसका एक लिखित आदेश केंद्र सरकार के द्वारा या संबंधित विभाग जिसको बना रहा था NHAI उसके एक निरस्तीकरण का एक लेटर लेकर यहाँ पर धरना स्थल पर जो लोग बैठे हैं उनको दे दे और बता दे कि भाई ये निरस्त हो गया है तो हम लोग यहाँ से उठ जाएंगे। लेकिन देखिए मौखिक आदेश इससे पहले भी कई बहुत ही बड़ी घोषणाएं हुई हैं इस क्षेत्र में ही ऋषिकेश में भी लेकिन उन आज तक वो पूरी नहीं हुई है। तो ऐसे में मौखिक जो घोषणा हुई है कहीं ना कहीं वो संदेशपात लगती है और लोगों को उस पर विश्वास भी नहीं हो रहा है क्योंकि मौखिक घोषणाएं मौखिक ही होती है, चुनावी वर्ष है, कहीं ना कहीं बहुत गुहारी घोषणाएं होंगी लेकिन वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी। इसलिए हम सबका यही मानना है कि लिखित दे दीजिए। हम वहीं त्रिवेणी घाट पर लग रहे तिरंगे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने ऋषिकेश नगर निगम महापौर अनिता मंगई पहुंची। इस दौरान महापौर ने कहा कि MDDA द्वारा त्रिवेणी घाट पर तिरंगा झंडा लगाया जा रहा है, इसकी देखरेख निगम प्रशासन द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि तिरंगे के नीचे जगमगाती लाइटिंग के साथ चबूतरे का निर्माण किया जाएगा। इस दौरान महापौर ने कहा कि त्रिवेणी घाट पर आने वाले पर्यटकों के अंदर तिरंगे को देखकर देशभक्ति का जज्बा उत्पन्न होगा। महापौर ने कार्यदायी संस्था के ठेकेदार को एक माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि 9 जुलाई 2021 को तिरंगे का लोकार्पण किया जाएगा। सभी शहरवासियों के लिए बहुत बहुत बधाई है और इस जगह पे बहुत जगह क्योंकि ये शहर विश्व पटल पे अंकित शहर है और ये सभी की हृदय स्थली है त्रिवेणी घाट है तो यहाँ पे हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जिस प्रकार से आस्था के भाव से देश विदेश से यहाँ पे लोग आते हैं तो उसी अनुरूप में हम इस शहर को भी ढालें और ख़ासकर जो ये पवित्र स्थान हमारा माँ त्रिवेणी का संगम है यहाँ पर इसको हम किस तरह से सजाएं संवारें ये हमारी विश्व धरोहर है यहाँ पे। तो उसमें मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों यहाँ पे हम एक 100 फीट ऊँचा तिरंगा और जो हमारा 100 फीट का तो ये पोल रहेगा झंडे की हमारी 20x30 फीट की जो उसकी लंबाई चौड़ाई है 20x30 की है तो इसके 3 फीट का ये चबूतरा है इस पे भी हम नीचे तिरंगा लाइटें लगाएंगे। विधानसभा ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर सोहलपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने लोगों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए और साथ ही लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। चमोली के मनीष भंडारी नाम के एक शख्स ने विदेश में रहते हुए भी गांव वालों की मदद की है और पिछले महीने से लगातार मास्क और सैनिटाइजर भेजने का काम कर रहे हैं। जहां इस महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है और हर कोई अपनों की मदद के लिए हाथ बटा रहा है तो वहीं नारायण बगड़ विकास खंड निवासी मनीष भंडारी ने भी विदेश में रहते हुए अपने गांवों के लिए सैनिटाइजर मास्क आदि भेजे हैं जिन्हें उनके पिता और उनके सहयोगी टोली बनाकर लोगों में वितरित कर रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष भंडारी अखिल भारतीय होटल कर्मचारी संघ के जिला चमोली के अध्यक्ष भी हैं। हमारे गांव में भाई दूरी गांव के हैं मनीष भंडारी जी जो अभी साउथ कोरिया में जॉब कर रहे हैं और वो इस कोविड महामारी में सारे गांवों के लिए अपने अड़ोस पड़ोस के गांवों के लिए विगत काफ़ी दिन से मास्क सैनिटाइजर और भी जो ज़रूरत के सामान है वो वितरित कर रहे हैं। मैं अपने आज ने मेरे गाँव सीरी में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कराया मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरे गाँव की तरफ से इनका धन्यवाद। हरिद्वार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। हरिद्वार SSP के निर्देश पर शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को पतंजलि पुलिया से गिरफ्तार किया है जिनके पास से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है और तीसरे आरोपी को गोविंदपुर से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम TV।